वहीं दूसरी ओर बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन के चुनाव को लेकर बीएमएस ने अपनी जीत का दावा किया है। बीएमएस के प्रतिनिधि ने बताया कि यूनियन हमेशा से कर्मचारी हित में संघर्षरत रही है, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में अवश्य मिलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की अधिकृत यूनियन के लिए संपन्न होने जा रहे चुनाव में इस बार बीएमएस भी पूरी तैयारियों के साथ उतरा है। बीएमएस के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारियों द्वारा लगातार प्लांट के विभिन्न विभागों में जाकर कर्मचारियों से संघर्ष किया, कर्मचारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा गया, कर्मचारी हित में लड़ाई करने की बातें कही गई, कर्मचारियों की मांगों को उच्च प्रबंधन तक पहुँचाने, उनके कार्य का निराकरण करने की, जो अब तक रुके हुए कार्य को उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के एक पदाधिकारी, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, ये बताइए, बीएमएस द्वारा इस बार इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ा जा रहा है, आप लोगों के यदि आपकी यूनियन बनती है, आपकी सरकार बनती है बीएसपी में, तो क्या पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या होगी? जी, ये पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि जो वेज रिविजन में देरी हुई थी, करीब करीब 40 महीने बाद वेज नेगोशिएशन शुरू हुआ, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन में हमारे जितने कर्मचारी थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उसके लेकर युवा शक्तियों ने यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और 30 तारीख की हड़ताल में भी बहुत ताकत के साथ युवा शक्ति आई थी। उसके कारण उनको क्या है, यूनियन ने, जो मान्यता प्राप्त यूनियन थी, उनने क्या प्रेशर डला के, दबाव डला के मैनेजमेंट थे, उन लोगों को पनिशमेंट करवाया गया था, उसमें से 14 लड़कों को, और उनको बाहर ट्रांसफर किया गया और उनका इंक्रीमेंट भी डाउन किया गया। तो ये बहुत गलत था, एक वर्कर हित में उनको काम करना चाहिए था, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन प्रबंधन परस्ती में काम कर रहे थे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि चौथी बार आप लोगों द्वारा चुनाव पार्टिसिपेंट किया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां रही? हालांकि आप लोगों द्वारा लगातार प्लांट के भीतर कर्मचारियों से संपर्क भी किया जाता रहा, तो क्या लगता है? हमारी तैयारियां हमारी नीतियों के लिए थी। देखिए, वेज रिविजन में कुछ यूनियनों ने इस बार बहुमत के आधार पर वेज रिविजन का फैसला हुआ, कुछ यूनियन ने आपस में मिलकर मैनेजमेंट से मिलकर और कुठाराघात किया कर्मचारियों के हितों के ऊपर, और बहुत कम पर्स में एक समझौता किया, जिससे कि बीएमएस बाहर आ गया था। उसने कहा कि हमको 3500 और 15 से कम मंजूर नहीं है, और आज भी हम जो पिछली मीटिंग हुई 19 जुलाई को, उसमें भी बीएमएस ताकत के साथ बोला कि 1535 जो ऑफिसर को दिया गया वही हम वर्कर को दिलाएंगे, और यही हमारी मांग है। इसी को लेकर हम वर्कर्स के बीच में गए और वर्कर से हमको प्रसाद मिल रहा है। क्योंकि बीएसपी के सभी विभागों द्वारा आप लोगों द्वारा काफ़ी लंबे समय से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, आपकी टीमें सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर रही हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष रखा जा रहा है, तो क्या किस तरह का आपको प्रतिसाद देखने को मिल रहा है कर्मचारियों को? निश्चित रूप से जो कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे हैं, ग्रेजुटी सीलिंग, वेज रिविजन और युवा कर्मचारियों का ट्रांसफर और पनिशमेंट, ये तीन मुख्य मुद्दे उस समय जो छाए हुए हैं भिलाई स्टील प्लांट में वर्कर्स के बीच में, और तीनों मुद्दों की लड़ाई और साथ में पदनाम, जो बहुत लंबे समय से युवा साथी चाह रहे थे कि एक सम्मानजनक पदनाम मिले, और वरिष्ठों को भी यही मांग थी कि हम भी टेक्नीशियन भर्ती होते हैं और टेक्नीशियन में रिटायरमेंट है, हमको भी एक सम्मानजनक पदनाम। तो ये चार मुद्दे मुख्य रूप से बीएमएस इनको पूरी ताकत के साथ हर फोरम पर, यहाँ तक कि एनजीसीएस के फोरम पर भी हम चार मुद्दों को ताकत के साथ उठाते हैं, जबकि जो पूर्व की मान्यता प्राप्त यूनियन थी उन इन मुद्दों पर पीछे और मैनेजमेंट का साथ देती आई हैं और कर्मचारियों के हित के साथ नहीं खड़ी रही, तो इस मामले में हमको अच्छा वो मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि कई बीएसपी कर्मचारी हमारी चर्चा भी हुई, जिनका कहना है कि जितने भी तमाम जो यूनियन है उनके द्वारा चुनाव पूर्व तमाम तरह के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के आने के पश्चात संयंत्र प्रबंधन चाहे मिलकर जो संयंत्र प्रबंधन की ज़्यादातर बातों को उनके द्वारा सुना जाता है, और कर्मचारियों की जो मांगे प्रमुख मांगे रहती है उसकी अनदेखी की जाती, तो इस संबंध में बीएमएस का क्या है? हमारा ये कहना है कि जो वर्कर की लड़ाई है वर्कर्स ही लड़ सकते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर यूनियन में जो उनके प्रतिनिधि हैं वो एम्प्लाई नहीं है, इसलिए वो वर्कर हित की बात नहीं करते हुआ जाके एनजीसीएस के फोरम में, लेकिन बीएमएस एकमात्र ऐसा यूनियन है जिसके सारे प्रतिनिधि जो हैं वो एम्प्लाई हैं और स्टील में एम्प्लाई हैं, इसलिए वो वर्कर का हित समझते हैं, वर्कर का दुख समझते हैं और वर्कर के दुख के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात, बीएमएस एक विचारधारा वाली यूनियन है, वो निश्चित रूप से जिसके साथ खड़ी होती जो कहती है वो करती है, वो प्रोडक्ट रहती है, हम आगे भी करके दिखाएंगे, अगर हमको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से जितनी भी हमारी कर्मचारियों की मांगें हैं उनके ऊपर हम बहुत सार्थक तरीके से काम करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि यदि अवसर मिलता है तो कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जाएगा, उच्च प्रबंधन तक बातें पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है
बीएमएस के एक प्रतिनिधि और आइए हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरह की उनकी कार्य योजना है। देखिए भाई साहब, ऐसा है इस बार चुनाव जो है जिन यूनियन के मध्य में लड़ा जा रहा है तो उसमें आपका प्रश्न जो है उसके हिसाब से उत्तर देना पूरा जायज नहीं होगा, क्योंकि मिला स्पर्श संघ की तरफ से अधिकृत जो भी यहाँ पर यूनियंस हैं उसमें ये प्रश्न तीखा है आप लोग के द्वारा। तो उसका समायोजन ऐसा होगा कि आयत के रूप में बात करूँ तो उसमें मैनेजमेंट का ये रुख है कि मैनेजमेंट तटस्थ भूमिका में है, जो यूनियन अपने कैडर को लेकर चल रही है उसमें बीएमएस का थोड़ा सा जो है प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ऐसा आप लोग भी घूमेंगे तो आप लोगों को भी दिखेगा। और बीएमएस चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो इसकी भूमिका इस बार चुनाव में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में इंटक की यूनियन है यहाँ पे, इसके पूर्व सिटी की रही है, उसके पूर्व लगातार कई वर्षों तक इंटक की यूनियन पे यहाँ पे रही है, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं कहा जाए, वो लंबित वर्षों से लंबित हुई है। उसके लिए लगातार दिल्ली में बैठे होते हैं, NJCS की बैठक होती है, स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा होती है, तमाम तरह के मंत्रियों प्रति सबसे चर्चा होती है, लेकिन मांगे अभी भी जस की तस हैं। तो इसके लिए BMS किस तरह संघर्ष करेगा? इसमें ऐसा है कि इसके पूर्व जो भी ऊपर के NJS लेवल में जो भी सांसद हुआ करते थे, क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस द्वारा नामित व्यक्ति जो थे वो उस मुद्दों को लेके और इंटक के तरफ से जो इनके बड़े प्रतिनिधि थे संजीवा रेड्डी जी, चूँकि उनका 75% के आसपास जो बोला जाता है कि उनका पूरा सप्लाई का काम है सेल के माध्यम से होता है, तो वो बहुत जायज़ तरीके से मांग को नहीं उठाते थे। चूँकि BMS अब इन चीज़ों को लेकर मैदान पर है और BMS चूँकि जो बोलती है वो करती है ऐसा माना जाता है, और चूँकि BJP से जुड़ा हुआ संगठन ऐसा मानते हैं और है भी, तो यहाँ पर लड़ाई मुद्दों की है, विचारधारा की है, राष्ट्रवाद की है, तो इन मुद्दों को लेकर इस बार BMS जो है लीड काम करेगा। BMS के प्रतिनिधियों का कहना है कि BMS की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। BMS द्वारा कर्मचारियों से जिस तरह की कर्मचारियों की कर्मचारी हित को लेकर लगातार संघर्ष किया जाएगा, इसका इनका कहना है कि इसके पूर्व इनके जो भी यूनियन रही वो लगातार अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करती रही, कर्मचारी हित से इनका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिनिधियों का ये भी कहना कि यदि इनकी सरकार बनती है यूनियन में, अगर ये जीत करके आते, हालांकि दावा तो उनकी तरफ से पूरी तरह से किया जा रहा है, उसके बाद कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकताओं से लेकर के संघर्ष किया जाएगा और कर्मचारी हित के लिए लगातार कार्य किया जाता रहेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।